बिहार इंटरमीडिएट एग्जाम 2020 के आप सभी विद्यार्थियों को मेरा अर्थात अक्षय कुमार पांडे का नमस्कार। जैसा कि आज पहला दिन था और विज्ञान में फिजिक्स का परीक्षा हुआ, ये परीक्षा जैसा कि हम लोग सोच रहे थे उसके अनुसार ही काफ़ी आसान था और काफ़ी स्कोरिंग भी रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपने देखा होगा 10 से 10 या उससे अधिक ऑब्जेक्टिव जो थे वो रसायन शास्त्र से पूछे गए थे फिजिक्स में। खैर कोई बात नहीं, और जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया था उसमें 18 में से आपको जवाब देना है 10 का, जो आपके लिए काफ़ी आसान है। केमिस्ट्री में 16 चैप्टर हैं, इस प्रकार से अगर 2 नंबर वाले सवाल की बात की जाए तो प्रत्येक चैप्टर से कम एक सवाल के रहने की पूरी संभावना है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन और पी ब्लॉक को थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव तो हर चैप्टर से एक दो जरूर रहेगा, उससे ज़्यादा रहेगा पी ब्लॉक से सबसे अधिक। और आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक ये सब रिवाइज कर सकते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन ये देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीमर देख सकते हैं। विशेष करके एमीन का IUPAC नाम बार बार रिपीट करता है। आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखे होंगे क्वेश्चन बैंक से कि कोबाल्ट कंपाउंड, कोबाल्ट और कार्बोनिल कंपाउंड का Fe(CO)5, Ni(CO)4 आदि का नाम पूछता है और उसमें उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो कि 0 होता है, इस पर बार बार सवाल पूछे जाते हैं और विशेष करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इन सबको आप रिवाइज कर लेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ये सब देख लेना होगा। उसका यूनिट, किस ऑर्डर के रिएक्शन के लिए कौन सा यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं, और इसमें एक्सप्रेशन भी पूछा जाता है, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त करें, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। तो यूनिट और इनका जो एक्सप्रेशन है उसको आप ध्यान में रखिएगा। सॉलिड स्टेट से एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, सॉल्यूशन से न्यूमेरिकल आ सकता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आ सकता है। इसके अलावे आप ऑब्जेक्टिव एडजॉर्प्शन से रहेंगे, इस पर ध्यान दीजिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया, ये 3 आपको ध्यान पर रखना है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया। इससे तो कल पक्का आपका मुलाकात होने वाला है और ये मुलाकात प्रश्न पत्र में एक से अधिक जगहों पर निश्चित तौर पर होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया मैं फिर से कह रहा हूँ, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। कलर केमिस्ट्री और मैग्नेटिज्म पर थोड़ा सा विशेष चौकस रहना है आप लोगों को। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, तो कंपाउंड कलर्ड होगा और उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाया जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सिस्टम है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा और प्लस में वो कलर्ड भी होगा। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर का मान ये विशेष महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर, बंधन कोटि का मान कितना होता है और उसका उसके हिसाब से उसके अनुसार जो स्टेबिलिटी होती है मॉलिक्यूल की उस पर आपको ध्यान में रखना है। और टाइप्स ऑफ लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं और वो किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं, चेलेटिंग लिगेंड ज़्यादा स्टेबिलिटी क्रिएट करता है और ये आपको देखना है। इसमें ग्लिप्टल, बेकेलाइट, नाइलॉन 6, PVC इस तरह के जो पॉलीमर है उनको देखना है आपको, रिवाइज कर लेंगे। जेनॉन के कंपाउंड, इंट्राहेलोजन कंपाउंड ये देखना है आपको। और सबसे विशेष आशुतोष सर का जो नोट्स है जो केमिस्ट्री क्लासेस के द्वारा आपको दिया गया है, सरसरी तौर पर एक बार उसको सुबह में आप देख लेंगे। क्वेश्चन आसान पूछे जा रहे हैं, आपको जरा सा भी तनाव नहीं लेना है, एकदम फ्रेश रहिए, निश्चिंत रहिए। केमिस्ट्री है आपका अपना सब्जेक्ट है, क्लास में जो बताया गया है वो परीक्षा में आएगा, इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और आशा करता हूँ कि कल का और आगे का एग्जाम आपका बेहतर जाए, आपका भविष्य प्रकाशमय हो। धन्यवाद।